हाय डियर स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित शिक्षण में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं के अंतर्गत पढ़े थे, लघुत्तम महत्तम समापवर्त को क्या करना, ज्ञात करना, वो भी वर्गखंड विधि के द्वारा, भाग विधि के द्वारा और अपवर्त विधि के द्वारा। आज की जो क्लास है हमारा, महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के बीच जो रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, हमारा आइडिया है महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त में क्या है रिलेशन, अर्थात दो दी हुई संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं की महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल की क्या होता है बराबर। मतलब कि जब भी दो भी संख्याएं दी रही, उन संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं की महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये क्या होती है, रिलेशन होती है लसप और मसप, ठीक। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का मसप गुणे लसप। इसके कारण उसके ऊपर डिफिनेशन आपको लिखी गई, अर्थात इसको हम लोग एक फार्मूले के अंतर्गत लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर उन संख्याओं का मसप मसप गुणे लसप मसप गुणे लसप बटा दूसरी संख्या। इस तरह से हम लोग इस संख्याओं का क्या कर सकते हैं, और भी फार्मूला को बना सकते हैं। जैसे यहाँ दूसरी संख्या लिख देंगे, पहली संख्या यहाँ पर हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर दूसरी हो जाएगी। अर्थात अगर मान लीजिए मौसम को क्या लिखना है, मौसम का बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा बटा लसप। मतलब इस तरह से हम लोग तीन चार चार फार्मूले क्या कर सकते हैं, इसे अपने से बना सकते हैं। आइए इसमें कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है, दो संख्याओं का मौसम तथा लसप का क्रमशः क्या है 12 तथा 54 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या हो 9 हो तो दूसरी संख्या क्या है ज्ञात करें। देखिए एक तो पहली संख्या दे दी गई है और दूसरी संख्या क्या करा आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज कर सकते, या इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर ज्ञात
करना, मतलब कि अगर भिन्न दे दिया गया है उस भिन्न को हम लोग कैसे लघुतम समापवर्त ज्ञात करेंगे और महत्तम समापवर्त कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए इसका क्या होता है, फार्मूला होती है फार्मूला ल स प अर्थात लघुतम समापवर्त के लिए क्या फार्मूला होती है, तो फार्मूला है भिन्न का ल स प बराबर अंश का ल स प बटा हर का म स प। देखिए जबकि ल स प देख सकते हैं, या और समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।